अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चाट की रेसिपी कि मैं किस तरह से चाट बनाती हूं। तो बहुत ही सिंपल और इजी वे है, बहुत हेल्दी है, तो आप लोगों को लाजमी ट्राई करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगी इसमें चाट मसाला। ये भी आप देखेंगे कि आपकी फ्रूट्स की क्वांटिटी कितनी है, कितनी में आपने बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने चाट मसाला लेना है। इसके अलावा मैं मुझे आदत है मैं शुगर ऐड करती हूँ थोड़ी सी, तो शुगर से ये होता है कि अगर कोई फ्रूट ऐसा है जिसमें खटास है तो ये थोड़ा इतनी क्वांटिटी ऐड नहीं करनी, थोड़ी सी करनी है आपने कि उसमें मिठास हो जाए। तो शुगर ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है टैंक का, मैं कोई फ्लेवर ऐड कर लेती हूँ, ये जिस तरह नींबू पानी वाला है तो ये मैंने थोड़ा सा किया। इसका ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी खटास होती है, तो ये जब मिक्सअप करते हैं आप एंड में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है शुगर के साथ मिलके इसका। आप शुगर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपने वो बना कर रखा हो, अदरवाइज़ आप शुगर ऐड करेंगे तो ये भी बाद में मिक्स हो जाती है। तो ये है चटनी, ये मैंने आलू बुखारे की चटनी बनाई हुई है, इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो किस तरह से ये मैंने बना कर रखी है, पहले से बनाई हुई है, तो ये भी मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। आप देख लें आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी आपने ऐड कर लेनी है। ये वैसे तो मीठी है तो आपने इतनी करनी है कि बहुत ज़्यादा मीठा भी इसके अंदर ना हो जाए लेकिन इसका टेस्ट आए। तो ये अब हम इसमें ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया। कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो दही वाली चाट खाते हैं, हम लोग भी दही वाली चाट भी बनाते हैं। अगर आपने वो वाली बनानी है तो उसके लिए भी ये है कि आप ये सब चीज़ें मिक्स करें, मिक्स करने के बाद इसको दही में ऐड करें, उसको अच्छी तरह फेंट के ऐड करने के बाद जो है आपने फ्रूट्स में ऐड करना है इसे, तो वो दही वाली चाट हो जाएगी। अदरवाइज़ आप ये अगर ट्राई करना चाहते हैं विदाउट योगर्ट तो ये भी आप बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि वो विदाउट योगर्ट ही चाट खाना पसंद करते हैं। ये आपने मिक्स कर ली सब चीज़ें, इसके बाद आपने इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करने हैं। तो मैंने फ्रूट्स पहले ही सारे अच्छी तरह से धो के साफ़ करके उनको और काट के रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बनाना। ये ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे एप्पल। मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि छिलका उतार लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आप जो है जब भी सेब लें उसका छिलका उतार के उसको अच्छी तरह साफ़ करके फिर कटिंग करें, चाट में अच्छा भी यही लगता है। तो ये ऐड कर लिया हमने। इसके अलावा चाट का ये रूल नहीं है कि सब फ्रूट्स होंगे तो चाट बनेगी, सीजनल जो भी फ्रूट्स होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि ये सब चीज़ें चाहिए और उसके बाद ही बनेगी। तो अब जिस तरह आजकल स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो वो आप ऐड कर सकते हैं या जो भी आपको अवेलेबल है चीज़ें। तो ये मैंने स्ट्रॉबेरी लेके उसको वॉश किया हुआ है और उसकी कटिंग की हुई है, छोटे छोटे पीसेज में आप कट कर लें। बहुत अच्छा कलर होता है इसका, तो ये चाट में बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है, ये है पाइनएप्पल है, तो ये टिन में है, ये मैंने निकाल के इसको इसके पीसेस किए हुए हैं, पीसेस करके इसको ऐड किया है। इसके अलावा मैं ये प्रेफर करूँगी कि जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये खजूरें हैं, हमारे घर में जब भी चाट बनती है खजूरें लाजमी ऐड की जाती हैं और बहुत हेल्दी होती हैं। आप ऐसे नहीं अगर खा सकते तो आप आराम से चाट में इसको डाल लें ऐड करने के बाद खा लें। तो इसको आप कट कर लें इस तरह से वॉश करने के बाद, खजूरें ऐड कर लें इसके अंदर, और अगर ग्रेप्स नहीं है जिस तरह सीज़न नहीं होता है तो आप उसमें किशमिश इसमें ऐड कर लें। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा इसमें किशमिश को ऐड कर लिया है। ये भी आप इसको लें अच्छी तरह वॉश करें, ड्राई करें, फिर सब चीज़ों को ऐड करें। ये हैं काजू,
जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, इसमें बादाम बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनको लेके बहुत छोटे छोटे पीसेस उसके कट करके वो ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। आप देख सकते हैं कि मिक्सअप करने के बाद जो है ये इस तरह से है और बहुत ही टेस्टी ये बनती है। आप लोगों को मस्ट है ये ट्राई करनी चाहिए। बहुत हेल्दी है, सिंपल है, मतलब इसमें कोई भी उस तरह से फैट नहीं है कि आप क्रीम ऐड करें या कुछ भी ऐसा ऐड करें। अगर आप चाहते हैं कि मतलब कोई भी इसमें फ़ैट वाली चीज़ ना हो, तो अगर आपने क्रीम वगैरह ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मतलब अगर आपने सिंपल बिल्कुल खाना चाहते हैं जिसमें इस तरह की कोई चीज़ ना हो, तो ये बहुत अच्छी है, आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो बाकी आपके प्रेजेंटेशन पे है कि आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं इस तरह से कर रही हूँ, जो चीज़ अवेलेबल है वो आप इसके ऊपर ऐड कर सके और इसको प्रेजेंट कर सकते हैं या प्रेजेंटेशन अच्छी बना सकते हैं इसकी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो।